चंद्रजीत जी, जैसा कि ये अंतरिम बजट जो कि आज पेश होने वाला है, आपसे कुछ ही देर में, अब तक जिस तरह के बजट पेश होते आए हैं, सीआईए का उस पर क्या नजरिया है और आज किस तरह की उम्मीदें टिकी हैं? देखिए, आपने जैसे कहे हैं, ये तो एक इंटरिम बजट है एंड इज वोट ऑन अकाउंट, सो इसमें उम्मीदें काफी लिमिटेड है, स्पेस भी काफी कम है फाइनेंस मिनिस्टर के कुछ करने के लिए. लेकिन आज अगर आप देखते हुए कि कैसे हमारे इकोनॉमी के जैसे किसी हालत में गुजर रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ इश्यूज है जिस पे हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. जैसे कि देखिए, पूरा टैक्स माहौल में उन्होंने उनका कुछ लिमिटेड ही हैज सम अमाउंट ऑफ वर्क दैट ही कैन डू ऑन द टैक्सेशन फ्रंट. इनडायरेक्ट टैक्सेस में उन्होंने कुछ कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स में उन्हें ज्यादा नहीं कर सकते हैं. इकोनॉमी कुछ सेक्टर्स में काफी डाउन है, लेकिन जैसे कि देखिए ऑटो सेक्टर काफी डाउन टर्न से जा रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस में, एक्साइज में कुछ कटौती कर सकते हैं, जिसका काफी स्कोप है, जिसमें से एक रिवाइव हो सकता है इकोनॉमी, सेक्टर्स रिवाइव हो सकते हैं और जो एक्सचेकर का जो रिवाइवल के थ्रू ये उनका कोई असर नहीं पड़ेगा. सो वी आर एक्सपेक्टिंग डेफिनेटली कट ऑन एक्साइज एंड ऑन सर्टन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स लाइक द ऑटो. जी, ऑटो सेक्टर का आपने जिक्र किया, लेकिन और कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर इस वक्त राहत की उम्मीद की जा रही है और ये माना जा रहा है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा जिससे आम आदमी को राहत मिल सके, सब्सिडी के तौर पर या फिर किसी और? हाँ, देखिए, ज्यादा सेक्टर्स में अक्रॉस द सेक्टर्स वी डोंट सी, बट इफ यू कैन रियली लुक एट सर्टन जो इस चुना हुआ सेक्टर्स उन्होंने कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर्स और इंजीनियरिंग सेक्टर्स, जिसके एक ट्रिकल इफेक्ट्स जो होते हैं बाकी सारे इकोनॉमी के ऊपर, हम उम्मीद करेंगे उसी सेक्टर के ऊपर उन्होंने बेस करें. हम ऐसे ही उनको रिक्वेस्ट किए हैं हमारे जो मेमोरेंडम में, जो सेक्टर्स जो है इंजीनियरिंग सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर लीडिंग सेक्टर है अभी, जिसमें हम देख सकते हैं कि रिवाइवल का काफी स्कोप है. तो हम उम्मीद करेंगे कि एक्साइज ड्यूटी का कटौती हम 12-8% जैसे स्विंग हम देख सकते हैं. लेकिन क्योंकि ये माना जा रहा है कि क्योंकि अब की बार का जो बजट है वो चुनाव से पहले वाला बजट है, ऐसे में हर बार यही देखा जाता है कि कुछ ऐसे घोषणाएं, कुछ ऐसी चीजें बजट में शामिल करने की कोशिश की जाती है ताकि सरकार को उसके लिए वन अप मिल सके, बोनस पॉइंट्स मिल सके और ऐसी कुछ लोक लुभावन चीजें सरकार लेकर आए ताकि उनको आने वाले चुनाव में फायदा मिल सके. नहीं, देखिए, इम्पोर्टेंट कुछ है, कुछ सेक्टर्स को ऊपर फोकस करना इम्पोर्टेंट अभी भी है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, कुछ सोशल सेक्टर्स के ऊपर हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इनका ऊपर हम अभी भी उम्मीद करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ फोकस करे, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए कि फिजिकल डेफिसिट के ऊपर ध्यान रखते हुए, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कुछ सोशल सेक्टर्स के ऊपर, और ये एक हमारे स्ट्रांग उम्मीद है कि सोशल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर का डेफिनेटली फोकस रहेगा इस इंटरिम बजट में.